subject, verb, object. हेलो, कैसे आप लोग? आज मेरा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हम काम करते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। काम कौन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि काम कौन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम एग्जांपल के माध्यम से समझ देखते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे क्रिकेट कौन खेल रहा है? वह क्रिकेट खेल रहा है। काम कौन कर रहा है? वह काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। You are reading novel। यहाँ पर novel कौन read कर रहा है? You, तुम कर रहे हो। काम कौन कर रहा है? तुम। तो subject मेरा क्या हो गया? तुम मेरा subject हो गया। ठीक है, अगला example लेके देखते हैं। She is going to temple। यहाँ पर temple कौन जा रही है? She जा रही है। तो she मेरा क्या हो गया? Subject हो गया। अब आता है मेरा verb। Verb मेरा दो प्रकार का है। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट में मेरा मेन वर्ब है, दूसरा में मेरा हेल्पिंग वर्ब है। शुरू करते हैं मेन वर्ब से। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है? द वर्ब यूज अलोंग और टुगेदर विद द हेल्प वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब का कोई ये निर्धारित नहीं किया गया है कि मेन वर्ब कितना होगा। 100 होंगे, 50 होंगे, 1000, आपको जितना लगाना है उतना मेन वर्ब लगा सकते हो। हम एक पहचानने के लिए बता रहे हैं कि कहाँ पे मेन वर्ब कैसा होता है, मतलब मेन वर्ब दिखता कैसा है, जानो कैसे ये मेन वर्ब है। आपके पास कोई भी शब्द है, उस शब्द के लास्ट में आपको ना लिखना होना चाहिए, ना होना चाहिए, ना, ना आकार, ना आकार का। ठीक है, ना होना चाहिए। जैसे खेलना, दौड़ना, सोना, टहलना, घूमना, जाना, आना, ऐसा सारे मेरे क्या हो गए? मेन वर्ब। अब इसी का इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, टहलना तो वॉक्स, खाना ईट, पीना ड्रिंक, ये सब सारे मेरा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है? मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन वर्ब की सहायता से बनता है। ठीक है, अगर मेन वर्ब को लिए, मेन वर्ब को एक सेंटेंस बनाने के लिए, मेन एक सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। कई बार नहीं लगता है लेकिन इसमें होता है। ठीक है, तो अब बताते हैं आपको कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं। कौन है देखना? हेल्पिंग वर्ब मेरा टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि 24 कौन कौन होते हैं। पहले हम एक बात बता देते हैं आपको, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है इसके अंतर्गत मेरा एक्सिलरी वर्ब भी, एक्सिलरी वर्ब मेरा 13 आते हैं। ठीक है, तो 13 और जो भी है मिला के मेरा 24 बना हुआ है। इसमें ऑलरेडी इंक्लूडिंग है मेरा एक्सिलरी वर्ब, और एक्सिलरी वर्ब भी मेरा हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम एक्सिलरी वर्ब को भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम बता देते हैं आपको कि हेल्पिंग वर्ब आपको 24 होगा। अब ये 24 कौन कौन होगा ये देख लीजिए। एम इज आर वाज वर डू डज डिड Has, have, had, shall, will, can, could, may, might, must, ought, should, would, need, dare, used to. ठीक है, used to. ये मेरा 24 हो गए। ठीक है, 24 मेरा कौन सा वर्ड है? हेल्पिंग वर्ड है। आपको तो और नहीं होता हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, इतना ही होता है। कहने के लिए लोग बहुत बोलते हैं लेकिन नहीं, हेल्पिंग वर्ब इतना ही है मेरे, 20 मेन वर्ब होते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा मेरा वर्ब है। अभी ऑब्जेक्ट पे हम नहीं गए हैं, अभी आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लिखते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बताइए इसमें काम कौन कर रहा है? ही, वह काम कर रहा है। क्रिकेट कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है। तो वह मेरा हो गया सब्जेक्ट। अब प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बताइए इसमें से मेन वर्ब कौन है और मेरा हेल्पिंग वर्ब कौन है। ठीक है, अब हम बता दिए हैं कि
कि जोड़ा मेन भर्ग का पहचान क्या होता है, जिस शब्द के अंत में ना हो उसको हम मेन भर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना कहाँ पे है, खेलना, और खेलना का इंग्लिश हो गया प्ले। तो मेरा मेन भर्ग क्या हो गया, प्ले मेरा मेन भर्ग हो गया, और इज क्या है मेरा यहाँ पे, हेल्पिंग भर्ग। गुड, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रीडिंग, काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, एम मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ड। रीडिंग क्या है, पढ़ना, ना लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया मेरा, मेन वर्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड, मेन वर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माय मदर हैज कम, माय मदर काम कौन, माय मदर हैज कम, माय मदर मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, कम क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। आना, ना लगा हुआ है, क्या बोलोगे, मेन वर्ब, ठीक है। यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, बताइए यू मेरा क्या हो गया, काम कर रहा है, सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, डू करना, ना लगा हुआ है, मेन वर्ब, ठीक है, ये हो गए। अब ऑब्जेक्ट के बारे आता है, अब ऑब्जेक्ट देखते क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट सिंपल से हम बता देता हूं, हम सब्जेक्ट में बताए थे कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और अब ऑब्जेक्ट में बोल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है वो सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जाता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। काम जिसके ऊपर भी हो उसे ऑब्जेक्ट बोलना है, जिसके ऊपर काम होगा उसको क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम होगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एग्जांपल देख के समझते हैं, समझ जाइएगा। जैसे हम बात देखिए, ऑब्जेक्ट में सिंपल सी बात है कि पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट हमेशा एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, और क्वेश्चन के जवाब जो आपको मिलेगा वही ऑब्जेक्ट आपका होगा। कोई आपको बोल दिया चलिए खाते हैं, चलिए खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना, तो खाना यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल समझते हैं और समझ में आ जाएगा। आप बैठे हो घर पे, कोई बोला चलो घूम के आते हैं, चलो घूम के आते, तुम भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाऊं, ठीक है। तो आपने क्या है कि क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, कहाँ, आपने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया और उसका जवाब आपको मिल गया कि चलो घूमना है, पार्क में चलेंगे घूमने, पार्क में घूमना है, तो पार्क मेरा क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया कि अगर आपसे कोई कुछ कहेगा और उसके जवाब आप पूछोगे भाई क्या करना है, ठीक है, किसके लिए करना है, और उसका जवाब आपको मिल जाता है तो वही मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, समझ में आ जाएगा। राम ईट्स राइस, राम ईट्स राइस, बताइए राम क्या खाता है, चावल खाता है, बात हो गई समझ में। राम इट्स राइस, राइस मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, कैसे, क्या खाता है, चावल खाता है। तो हमने भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्वेश्चन क्रिएट करेगा, वो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम क्या खाता है, चावल खाता है, तो मेरा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। माई फादर लव्ड मी वेरी मच, माई फादर लव्ड मी वेरी मच, ठीक है। अब माई फादर लव मी वेरी मच, अब बताइए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पर किसको प्यार किया जा रहा है, किसको, मुझे, मी, बात हो गई नहीं क्लियर, जब आप एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया ना, किसको भाई प्यार, किसको किया जाता है प्यार, तो मुझे किया जा रहा है, तो मुझे किया जा रहा है, तो मी, मी मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए कहीं कहीं पर ना ऑब्जेक्ट दो दो भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट दो दो होते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन कौन दो दो हो सकते हैं। कहीं कहीं पे ही गिव मी मनी, ही गिव मी मनी, He give me money, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब he give me, अब ये money है, he give me money, अब यहाँ पे money भी मुझे मिल रहा है, किसको दे रहा है money, मुझे दे रहा है, तो दे किसको रहा है, मुझे दे रहा है, तो me भी मेरा object हो गया, और क्या दे रहा है, money दे रहा है, तो money भी मेरा क्या हो गया, object हो गया, ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। Next example देखते हैं, he is reading a book, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज बताना है आपको, अगर आपको क्या
ठीक है, क्या किसके लिए, ठीक है, अगर इसका आपको जवाब मिलता है वही मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उस एग्जांपल को आपको पढ़ना है और ये बताना है कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा मेरा ऑब्जेक्ट है और कौन सा मेरा वर्ब है। एग्जांपल नंबर वन देखते हैं, यू लर्न हिंदी, बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सिंपल सी बात है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो कौन ये लर्न कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो यू मेरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। लर्न, अब हम बोले थे कि जिस शब्द के अंत में ना हो तो कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, तो लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है, तो ना लगा हुआ है तो ये मेरा हो गया मेन वर्ब। हिंदी, अब सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, काम कौन कर रहा है, ही काम कर रहा है, वह खेल रहा है, तो ही मेरा हो गया सब्जेक्ट, इज मेरा क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लेइंग मेरा क्या है मेन वर्ब, खेलना, ना लगा हुआ है, तो ये हो गया मेरा मेन वर्ब, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लिखना जरूरी है कॉपी पे, हाँ नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। अब बताइए यहाँ पर किसने देखा, मैंने देखा, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं आई, सब्जेक्ट मेरा क्या होगा आई, ठीक है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, 24 होते हैं, बताए थे, उस चार्ट को एक बार देख के इसमें लर्न कर लेना। सीन, देखना, ठीक है, ना आ गया, तो ये मेरा हो गया मेन वर्ब, ठीक है। ताजमहल, क्या देखा, ताजमहल देखा, तो ताजमहल मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, आ रहा है समझ में, हाँ क्लियर होगा, आप टेंशन ना लीजिए। ही इज राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, ही इज राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, बताइए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, ही हेल्पिंग वर्ब, इज मेन वर्ब, राइटिंग लिखना, ना लिखा हुआ लास्ट में, हाँ ठीक है, मेन वर्ब मेरा हो गया राइटिंग, क्या लिख रहा है, लेटर, तो लेटर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इन इंग्लिश में, किसमें लिख रहा है, इंग्लिश में, तो दोनों उधर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया और इन इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और एक बात और, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, बड़ा काम का चीज है ये सब, हाँ बहुत काम का चीज है, अगर कोई कहीं से पूछ दिया ना तो फिर मजा आ जाएगा, तो ध्यान से रहिए और इस चीज को जरूर लिखना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक 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 करिए, शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।